नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। तेज बारिश के कारण नोएडा, गुजरात, गाजियाबाद से सटे कई इलाकों में तेज बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। देश के कई इलाकों में आज तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण यातायात कई जगहों पर ठप हो चुका है। यहां तक कि सड़कों पर समंदर जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। ये जो वीडियो आप फिलहाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो नोएडा की है। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोएडा में तेज बारिश के कारण लोगों का क्या हाल है। जहां कल शाम तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, वहीं आज सुबह से ही तेज बारिश के कारण लोगों का कार्य ठप हो चुका है। नोएडा से सटे कई इलाकों का यही मंजर देखने को मिल रहा है। अगर बात गाजियाबाद की करें, गुड़गांव की करें या दिल्ली, तेज बारिश के कारण तेजी से दौड़ती हुई गाड़ियों का जो स्पीड है उस पर भी लगाम लग चुका है, क्योंकि तेज बारिश के कारण लोगों को अपनी सुरक्षा ज़्यादा प्यारी होती है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो गुजरात की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसा मंजर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। गाड़ियाँ ज्यों की त्यों वहीं खड़ी है। ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये लगता है इन मकानों को देख के कि पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। दूर दूर तक किसी भी इंसान के दिखने का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। तेज बारिश के कारण यहाँ बाढ़ आने से लोगों के घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। यहाँ पंछी तो छोड़िए, इंसान भी नज़र आने को तैयार नहीं है। गुजरात का ये मंजर देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके में बारिश किस प्रभाव से हुई होगी। स्कूटियां भी बारिश में बुरी तरीके से डूब चुकी हैं। कुत्ते को भी अपने सहारे के लिए ऑटो की जरूरत पड़ रही है। ये खुद में इतने समझदार हैं कि इनको समझ में आ रहा है कि अगर ये बारिश में उतरे तो इनका नामो निशान नहीं बचेगा। नदियों में उफान आ चुका है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि ये जो लाल निशान है उससे काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ आप देख सकते हैं वाटर मीटर किस तरीके से ये भी पानी के बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुका है। दूर दूर तक जहां नजरें जाएंगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। अब बात करते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से सटे सारे इलाके बस पानी के प्रवाह से भर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो गाजियाबाद की है। यहां भी तेज बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत ही कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाना ज़रूरी है और ऐसे में इतनी तेज बारिश होना कहीं ना कहीं लोगों के कार्य को ठप कर दे रहा है। गाजियाबाद से सटे गुड़गांव के भी यही हालात हैं। यहाँ भी तेज बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों का यातायात ठप हो चुका है। सड़कों पर पानी भर चुके हैं और जिन सड़कों पर पहले से ही गड्ढे देखने को मिल रहे थे, उनकी हालत का तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बारिश से जुड़ी ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के लिए हम आपको अपडेटेड करते रहेंगे। आपको देखते रहना है जनसत्ता.com।